नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवनशी चैनल, जिसमें मिलता है हर चीज जानकारी आपको ए टू जेड। दोस्तों आज मैं गुलाब के बारे में बताऊंगा। हर समय तो आपको रासायनिक खाद के बारे में बताया हूं, दोस्तों आज मैं ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताऊंगा। बहुत आसान तरीका, जो आपके घर से सब्जी का जो छिलका निकलता है फेंक देते हैं, उससे आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा उसमें गोबर खाद का मात्रा कैसे रहता है और कैसे मिला के आपका फूल बहुत सारा खिलेगा। हम लोग उसको भी डालते हैं, कई बार खाद महंगा हो जाता है या खाद नहीं मिलता है तो हम लोग उसको बना के रखते हैं, हम डाल देते हैं, बहुत बढ़िया फूल खिलता है। और उसको कई बार हम डालते भी रहते हैं, डालने से बहुत अच्छा रहता है। सब्जी में डालेंगे तो और बढ़िया रहेगा, सब्जी का पौधा में डालेंगे तो और अच्छा पौधा बढ़ेगा और स्वाद उसका अच्छा रहेगा। तो ये जानते हैं, जैसे दोस्तों ये देखिए गुलाब का पौधा है, तो सबसे पहले मैं इसको एक गमले में लगा देता हूँ। दोस्तों इसको सूखा डंगल ऐसे खरीद के लाए तो पहले सूखा डंगल काट दीजिए, ये अच्छा खरीद के लाए, सूखा डंगल मत लीजिए खरीदने जाए तो, ऐसे करके ला लीजिए। और ये जो कली है, फूल है, इसको रहने दीजिए, जब फूल खिल जाएगा तो इतना काट दीजिएगा, ऊपर से नीचे से कम से कम 10 इंच नीचे में काट दीजिएगा, तो फिर नया ब्रांच जो आएगा मजबूत आएगा। आप यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो ये डंगाल जो आएगा पतला आएगा और फूल में जो है ना जान नहीं रहेगा। जैसे हम लोग काटे थे, ये जो फूल इसका छोटा खिला है, थोड़ा छोटा क्वालिटी का है, तो आप थोड़ा नीचे से काटेंगे 4 डंगाल ही निकलेगा, मजबूत निकलेगा। इतना सोचेंगे इतना सारा डंगाल निकलेगा तो कमजोर निकलेगा, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। जितना छोटा डंगाल काटने से फूल बड़ा बड़ा खिलता है दोस्तों। तो ऐसे करके आप एक गमला ले लीजिए और 12 नंबर गमला, जैसे कि और वीडियो में बताया हूँ, गमला 12 नंबर जो ही रहता है, और नीचे में पत्थर रख दीजिए दोस्तों। पत्थर रख के आप क्या कीजिए, भूसा नहीं रहे तो रेती मिला दीजिए, बर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, बर्मी कंपोस्ट एक मुठ्ठा मिला दीजिए, और मिला के एक गमला में एक मुठ्ठा या दो मुठ्ठा भी कर सकते हैं, दो मुठ्ठा भूसा कर सकते हैं, बाकी मिट्टी रहेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भूसा का मात्रा इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि झिली में लगाते हैं, झिली में रखने से ना पौधा क्या नमी बनाता है, इसीलिए भूसा का मात्रा ज़्यादा रखते हैं हम लोग। आप गमले में है तो ज़्यादा मात्रा नहीं रखना पड़ेगा, नीचे का आप नीचे का तोड़ दीजिए, मिट्टी थोड़ा गीला है, बैठ गया है, तोड़ देने से ठीक रहता है दोस्तों। ऐसे करके आप लगा सकते हैं, देखिए सबसे पहले पौधा लगा दीजिए, या पहले से आपको पौधा लगा है उसके लिए भी जो खाद बताऊंगा उसमें भी डाल सकते हैं। तो पहले से जो पौधा लगा है उसको थोड़ा थोड़ा कोरा करना पड़ता है दोस्तों, गुलाब के पौधे में स्पेशल देख रेख लगता ही है, एकदम से बिना देख रेख के कोई भी खाद डाल देने से नहीं खिलता है। आयुर्वेदिक भी ऑर्गेनिक भी फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसमें भी बराबर डालते रहिए और दवाई छींटते रहिए, खाद डालने से ही नहीं होगा, दवाई भी छींटना पड़ेगा। खाद तो मान लीजिए दोस्तों जड़ का काम कर देगा, लेकिन ऊपर जो ऊपर में पत्ता में कीड़ा लगेगा, पत्ता मुड़ जाएगा, उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए तो जरूरी है आपको। उसमें कोई भी कीटनाशक, जैसे मैं बताया हूँ कई वीडियो में, मनोधन हो, सोनाटा हो, सुपर किलर हो, या आपको ट्राइसेल है, ये सब डालना पड़ेगा। कोई भी एक दवाई ला लीजिए, उसमें साफ पाउडर मिला के आप डाल दीजिए, कोनिका मिला के डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा, पत्ता फ्रेश रहेगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं, नहाते भी हैं, तो दवाई नहीं डालेंगे तो फूल अच्छा नहीं खिलेगा, तो दवाई डालिए। इसके बाद ये हो गया दोस्तों, अब बता रहा हूँ आपको, इसको छेना बोलते हैं या गोबर का कंडा बोलते हैं, इसको आप ला लीजिए। आप कहाँ, आप सोचेंगे कहाँ मिलेगा, नर्सरी में तो मिल सकता है, या नर्सरी में नहीं मिले तो आप जो दूध वाले दूध छोड़ने आते हैं उनसे मंगा सकते हैं, एक आध छेना मंगा सकते हैं, उसको मंगा के आप क्या कीजिए, इसको मैं तोड़ के देखिए डाला हूँ इसमें, तोड़ के डालने के बाद क्या कीजिए, आपके पास जितना भी लौकी का, प्याज का, लहसुन का, जो भी आलू का, जो भी छिलका निकलेगा इसमें डाल दीजिए, इसमें डालते रहिए। तो क्या है, खाली इसको छिलका को डाल देने से और दीमक डायरेक्ट डाल देंगे तो और उसमें चींटी कीड़ा दीमक लग जाता है, तो इसमें आप गोबर खाद के साथ में सराइए। गोबर खाद में क्या है, नाइट्रोजन बहुत रहता है, जल्दी से सड़ने काम करता है। जहाँ पर आपको अगर कहीं गोबर खाद, ऐसा चीज़ है दोस्तों, अगर ज़्यादा मात्रा में गोबर खाद भी डाल दिए कहीं किसी पौधे के जड़ पर तो ये पौधा गला देता है, तो इसको ये डालने से क्या होगा, ये जो भी छिलका है पूरा इसको ना इसको सराएगा। सराने के बाद क्या करेंगे, आप इसको बारीक कर सकते हैं, या बारीक करके आप डालिए इसको, तो दोबारा क्या है कि सड़ने के बाद डालेंगे तो मोहकेगा, तो इसीलिए आप पहले बारीक करके गोबर खाद को आप डाल दीजिए, इसको करके ऐसे डाल दीजिए, गोबर खाद को डाल दीजिए, जो कंडा है कंडा को डाल दीजिए, और बारीक करके डालने के बाद में आप एक बाल्टी में इसको रख दीजिए, जितना भी छिलका निकले डालते रहिए, और डालने के बाद एक हफ्ता का हो जाए तो इसको आप इसको ऐसे हिला दीजिए, खूब बढ़िया मिलाने के बाद में आप इसको छान लीजिएगा। छानने के बाद में आप जितना ही पौधा है, पौधा को आप कोरा करके थोड़ा थोड़ा आप डाल दीजिए, जैसे बताऊंगा अभी कैसे डालना है। तो ऐसे करके आप इतना फूल खिलेगा दोस्तों, आप खुश हो जाएंगे, ऑर्गेनिक घर पे ही आपका तैयार होगा।
स्प्रे के लिए आप फूल में अगर डालना है तो आप कीटनाशक की दवाई डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या नीम ऑयल भी आता है, उसको भी डाल सकते हैं। तो इसको ऐसे करके आप रख सकते हैं। दोस्तों छान के रखा था पहले से मिला के, तो मैं आपको बताया हूँ वैसे करिएगा। इसको छान के मैं पहले से मिला के रखा हूँ, इसको मैं पहले हिला लूँगा, मिल जाएगा पूरा, अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या कीजिए, आपके पास पुराना पौधा है पहले से लगा हुआ है तो उसको पहले कोरा कीजिए और जंगल निकाल दीजिए। अब कल खाद डालना तो आज पानी मत डालिए, और पानी मत डालिए उसके बाद कोरा करके, और इसमें क्या कीजिए कम से कम एक गिलास डाल दीजिए इसको ऐसे करके। और गुलाब कोशिश कीजिएगा धूप में रखने के लिए, ऐसे करेंगे आपका फूल बहुत सारा खिलेगा। तो बस गुलाब हो, सेवंती, डहेलिया, जासवन, जो पौधा सब में डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताया हूँ, कई दोस्तों कमेंट आया कि ऑर्गेनिक लिक्विड पर आप खाद पर बताइए, तो बताया हूँ बहुत बढ़िया तरीका से आसान से फूल खिलेगा। एकदम छिलका छिलके सब्जी का जो छिलका निकलता है डायरेक्ट डालने से फूल नहीं खिलता और उसमें बीमारी लग जाता है, तो उसको पहले बनाना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे आप बना के डाल सकते हैं, मेरे चैनल में ये सब चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। और ऐसे ही नया नया वीडियो में लेके आता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो। नमस्कार दोस्तों।